बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहे शाबान की 15वीं शब, जिसे हम और आप शबे बरात के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है इस रात में, क्या फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने, आइए चलते हैं इस खूबसूरत वीडियो की जानिब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, तुम जानती हो उस रात में क्या होता है? अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, बताइए उसमें क्या होता है। आपने फरमाया, उस रात में यह होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स उस साल में पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा, उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं उनको इत्तला दे दी जाती है, और जितना जितना रिस्क मखलूक को उस बरस में मिलेगा सब लिख दिया जाता है। और उस 15वीं रात में अल्लाह ताला सूरज के डूबते ही इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ लाता है और इरशाद फरमाता है कि कोई नेक बंदा ऐसा है जो हमसे बख्शिश मांगे तो हम उसको बख्श दें, कोई रिस्क मांगे तो हम उसको रिस्क दें, कोई मुसीबत का मारा दुआ करे तो उसकी मुसीबत दूर करे। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाता है, बस बंदों को चाहिए कि उस रात में खूब इबादत करे और अपने गुनाहों की माफी मांगे और 15वीं तारीख को रोजा रखे, और अल्लाह ताला उस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्शता है। मगर फासिक और फाजिर, मुशरिक, कीना रखने वाले और कातिल को नहीं बख्शता। नाजरीन इकराम, ये ख्याल न किया जाए कि अल्लाह ताला का जिस्म है जो इस आसमान पर आता है। बस अल्लाह ताला को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने जिस तरह बता दिया उसको सच्चा जाने और हमें अमल करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।